इरशाद फरमाया कि तू इस तरह कर, अपने घर को ना लाजिम पकड़ ले, तेरा घर तेरे लिए बेहतर है, तेरा घर तेरे लिए किफ़ायत करने वाला है। शरीयत इस्लामिया में ना रहबानियत मना है, सारे हुकूक छोड़ के बंदा घर में बैठ जाए, हुजरे में बैठ जाए, मर्जी, मना है। लेकिन कुछ देर के लिए वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, कुरान मजीद ने कहा। वो क्या है कि कुछ देर के लिए खलवत ज़रूर इख्तियार, जैसे आप इत्काफ में बैठे हैं, सबसे कट के अल्लाह के घर आ गए, ये कुछ देर के लिए ये काम करने का ज़रूर हुक्म दिया गया। कामयाबी के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ अकीदे की सेहत है, लेकिन मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ उन्वानात से अपनी उम्मत की तरबियत करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निजात के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान फरमाई। इखलाकियात के बाब में, रूहानियात के बाब में और तकमीले किरदार के बाब में, वो सारी बातें काबिल अमल भी हैं, काबिल तवज्जो भी हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत भी हैं। मुख्तलिफ़ मौक़े पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का बयान फरमाया और जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ का बयान फरमाया वो अपनी जगह एक बड़ी अहमियत रखती है और बड़ी ताकत रखती है। ये हदीस जो आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, ये तिरमिज़ी में मौजूद है और हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। यहाँ भी उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निजात का रास्ता पूछा है। बहुत सारी सोचें, बहुत सारे नज़रियात, बहुत सारा फ़लसफ़ा, बहुत सारे समझाने वाले, बहुत सारे कायल करने वाले, अपने अपने अंदाज में खैर की बात बताने वाले लोग हर दौर में मौजूद रहे, लेकिन बहरहाल हरफ़े आखिर वो है जो मदीने वाले महबूब ने बयान फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन निजातु, कहते मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निजात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता फ़रमाया है कि हुजूर ना जवामे उल कलम के साथ दुनिया में आए और हुजूर फरमाते हैं अना अफ़साहुल अरब, अरब सारे ही बड़ी फसीह व बलीग बात करते हैं, खुली बात करते हैं, लेकिन अरबों में सबसे ज़्यादा बात करने का सलीका अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है कि बेहतरीन अंदाज में हुजूर थोड़े जुमलों में गहरी बात, अल्फाज के लिहाज से वो बात मुख्तसर है और मफाहीम के लिहाज से इतनी वसी है कि सारे समुंदर उसके अंदर समो दिए नबी पाक अलैहिस्सलाम। मन निजातू, बहुत बड़ी बात पूछी, बड़ी वसी बात पूछ ली। या रसूल अल्लाह निजात क्या है, कामयाबी क्या है, फलाह क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले हुजूर ने निजात के लिए जो बात इरशाद फरमाई वो बड़ी काबिल गौर है और समझने वाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू निजात चाहता है तो अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख, अपने बोलने पर कंट्रोल कर, तोल के बोलना शुरू कर, अपने लफ्ज़ों की हुर्मत का ख्याल कर। अपनी ज़ुबान पर जो बंदा कंट्रोल पा गया, ये पहली अलामत है निजात की। और एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूँ भी बयान फरमाया, तुम मुझे गारंटी दो दो चीज़ों की और मुझसे गारंटी ले लो जन्नत की। फरमाया तुम मुझे अपनी दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की और दो जबड़ों के दरमियान ज़ुबान की गारंटी दे दो और मैं अल्लाह का महबूब होकर तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। पहली बात निजात के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि अपनी ज़ुबान को अपने काबू में कर, इस पर कंट्रोल कर। और दूसरा फरमाया तेरा घर तेरे लिए काफ़ी है, इधर उधर बिला वजह ना घूमा कर, बग़ैर सबब के बहुत सारी मजालस में ना जाया कर। ज़रूरत के लिए जाएं, खैर पाने के लिए जाएं, अच्छे इरादों से सफ़र करें। गए हमारे सूफिया उलमा दूर दराज के सफ़र किए मुहद्दिसीन ने, किस लिए? हुज़ूर की अहादीस को जमा करने के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैज़ान से हिस्सा पाने के लिए। लेकिन फरमाया इधर उधर ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है, इस मजलिस में भी जाएंगे, उस महफल में भी जाएंगे, उसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे। नतीजा ये रहेगा कि बेयकीन हो जाएंगे। अपने घर से निकलेंगे, घर घर फिरेंगे, किसी घर के नहीं रहेंगे। तेरे लिए तेरा घर काफ़ी है, अपने घर रह। अपना घर जो है वो तुझे किफ़ायत करे, अपने घर में क़याम कर। ये दूसरी अलामत है निजात के लिए। और तीसरे नंबर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू निजात चाहता है ना तो अपनी ख़ताओं पे रोया कर, अपनी ख़ताओं पे आंसू बहा, अपने आप पे रो, अगर चाहता है कि बच जाए। तीन चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, ज़ुबान को काबू में करो, अपने घर में क़याम करो, और फरमाया कि तुम अपनी ख़ताओं पे रोया करो। ये तीन अगर चीज़ें तुम्हें मुयस्सर आती हैं तो फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान फैज़ हक़ के तर्जुमान से गारंटी मिल रही है कि अल्लाह उस बंदे को निजात अता फ़रमाएगा। बहुत शौक़ है लोगों को बातें करने का, बड़ी बातें, ओए होए। जो बात बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में दो जुमलों में बयान हो सकती है, उसके पीछे इतनी लंबी तमहीद बांधेंगे कि असल बात ही रह जाएगी बीच में से। गुफ्तगू, बात, बोलना, यानी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है दो लोगों के बीच, और कोई दाना आदमी बात कर रहा है तो फटाफट मुदाखलत करेंगे और जुमला फेंकेंगे, कहेंगे कथा कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कईयों को रोक के कहता हूँ कि पहले आप पूछ तो लें हमने माफ़ किया भी है कि नहीं। बहुत बातें करते हैं बाज़ लोग, बहुत बातें करते हैं। और दुनिया में जो ज़्यादा ख़ताएँ होती हैं वो ज़ुबान की वजह से होती हैं। अमलन कोई किसी को क्या तकलीफ़ देगा, हाथ कोई किसी पे क्या उठाएगा, लेकिन लफ्ज़ों के तीर, जुमलों के तुर्श, लहजे और ज़ुबान की कड़वाहट। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ज़ुबान तो रूह को घायल कर जाती है, बंदे को अंदर से तोड़ के रख देती है ये ज़ुबान। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत सारे जुमले ज़िंदगी में बोले। मैं यकीन से कहता हूँ कि उन्हें भी पछतावा हुआ कि यार मुझे ये वाला लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन काश ये बाद में पछताने से पहले आप सोच लेते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है जो वो कह रहे हैं वो माफ़ी ज़मीर उनका नहीं है, वो उनके ख्यालात नहीं होते, लेकिन वह वो कह दिए उन्होंने। और कहने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये हमें कहना नहीं चाहिए था। दूसरा इरशाद फरमाया कि तू इस तरह कर, अपने घर को ना लाजिम पकड़ ले, तेरा घर तेरे लिए बेहतर है, तेरा घर तेरे लिए किफ़ायत करने वाला है। शरीयत इस्लामिया में ना रहबानियत मना है, सारे हुकूक छोड़ के बंदा घर में बैठ जाए, हुजरे में बैठ जाए, मर्जी, मना है। लेकिन कुछ देर के लिए व तबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, कुरान मजीद ने कहा। वो क्या है कि कुछ देर के लिए खलवत ज़रूर इख्तियार, जैसे आप इत्काफ में बैठे हैं, सबसे कट के अल्लाह के घर आ गए, ये कुछ देर के लिए ये काम करने का ज़रूर हुक्म दिया गया। आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं, सारे हुकूक छोड़ के जाना नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए ना कोहे तूर पे, फिर अल्लाह ने तो राहत अता फरमाई। वाइज़ वादना मूसा अरबईना लैलतन, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने कितने दिन जाके पहले गारे हिरा में बैठे, फिर अल्लाह ताला ने वही अता फरमाई। तो कुछ अपने घर में वक्त गुजारें, इबादत में वक्त गुजारें, अल्लाह की याद में वक्त गुजारें, सारा वक्त घूमने में फिरने में ज़ाया ना कर दें। कुछ लोग ऐसे इबादत के लिए बिठाओ तो थके हुए हैं और उनसे को कहीं जाना है तो वो तैयार बैठे हैं, तो कुछ औकात अपने इस पर भी लगाएं। और तीसरी बात जो इरशाद फरमाई गई वो ये है कि अपनी ख़ताओं पे रोया जाए। हम ना बड़ा तबसरा करते हैं, बड़ा रोना आता है किसी की मजलूमियत पर, किसी के दुख पर, मुल्की हालात पर, लोगों पर, अच्छी बात है, लेकिन निजात के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ख़ताओं पर भी रोए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह के खौफ से आँख से इतना कतरा भी नसीब हो गया जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना भी तुम्हारी आँख से आंसू निकल गया तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं जाता, तुम भी दोज़ख में नहीं जाओगे। और दो आँखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया कि जो रब की रज़ा के लिए पहरा देती है, और एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहाती है। ये दो आँखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। तो इसलिए ये तीन बातें आपने नहीं भूलनी। एक तो ये कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, एक अपने घर में, मस्जिद में, उजरे में कुछ देर बैठ के अल्लाह को याद करें और कोशिश करें कि बग़ैर वजह के घर से न। और तीसरी बात ये कि अपनी ख़ताओं पर आंसू बहाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।